बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान अल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आज 19 रमज़ान अल मुबारक है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ही अच्छा रमज़ान गुजरा। और आप सब बताइएगा मुझे कि आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है। अच्छा, तो मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि प्लीज़ आप अपनी जो है रमज़ान की रूटीन शेयर करें। तो ये कि मेरे बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस वजह से भी नहीं कर पा रही थी। और दूसरा ये कि आपको पता है कि रमज़ान में इबादत और उसके बाद जो भी टाइम मिलता है अफ्तारी के लिए या सहरी के लिए बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो उसमें बस जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना होता है। तो बस इस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चले मैं आज वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, तो अपने फ्रेंड से शेयर कर देती हूँ कि मेरी क्या रूटीन है, अफ्तारी की क्या रूटीन होती है और किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है रूह अफ़ज़ा बना के वो मैं उसको पहले से ही फ्रिज में छोड़ देती हूँ कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेदर चेंज हो गया है कि मौसम काफ़ी गर्म हो गया ना, तो इस वजह से थोड़ा पहले तो हम लोग जो है बिल्कुल भी ठंडा पानी फ्रिज का मैं बिल्कुल भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अभी तकरीबन ये जो दूसरा अशरा शुरू हुआ इसमें काफ़ी यहाँ पर मौसम गर्म हो गया है, तो इस वजह से जो है वो फिर मैं फ्रिज में उसको जो है ड्रिंक्स वगैरह कोई भी हो तो उसको थोड़ी देर बना के छोड़ देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए। तो अभी यहाँ पर मैं जो है वो डेट्स के अंदर ये जो क्रीम है वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे इसको पसंद करते हैं तो मैं डेली इसको ऐड करती हूँ। और अभी यहाँ पे मैंने चने बॉयल होने के लिए रखने हैं और मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था, बहुत कम टाइम था, बस इसी में मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी और भागम भाग लगी हुई थी। बस आज संडे था और हस्बैंड भी गाते थे, तो मैंने इनसे कहा चले आप भी मेरे से हेल्प करें। बस बच्चे हस्बैंड सभी मेरे साथ हेल्प में लगे हुए थे। तो अभी यहाँ पे एक साइड मैंने जो है प्रेशर लगा दिया, चने और रख दिए हैं, दूसरी साइड में ये मैक्रोनी बॉईल करूँगी, ये मैं इसके पकोड़े मैंने तैयार करने हैं। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी पकोड़ों की जो रेसिपी है वो मैं इंशाल्लाह ताला अलग से डिटेल में आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से ये जो पास्ता मैक्रोनी है इसकी मैं पकौड़े तैयार करती हूँ, तो वो आपको मैं इंशाल्लाह बताऊँगी। ये मैं शॉर्ट क्लिप्स बनाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने कहा आप लोग बोर ना हो जाएं। तो यहाँ पे जी हस्बैंड लगे हुए मेरे साथ हेल्प कराने के लिए, मैंने कहा आप चले मुझे जल्दी से जो है फ्रूट चाट का काम जो भी है वो आप कर दें, तो बाकी किचन का जो है वो सारा मैं देखती हूँ। और आज हम लोगों ने थोड़ा सा ये कि ये सोचा कि आज इंशाल्लाह ताला सारी फैमिली को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं तो सारी फैमिली की इफ्तारी करवाते हैं, तो बस वही हम लोग लगे हुए हैं। तो बस सिंपल सा जो है इतना कोई ख़ास तो अरेंजमेंट्स नहीं थी, बस सिंपल सा जो था वो इफ्तारी के लिए हम लोगों ने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नियामतों से नवाजा, और जितने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया और इसका जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। और इस माह रमज़ान की बबरकत महीने में हम लोगों को हर वक्त ये कि ये दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला रमज़ान का महीना जब भी आप अफ्तारी के लिए बैठें या नमाज़ पढ़ें, जब भी इबादत करें, तो आप हमेशा दुआओं में दूसरों को भी हमेशा याद रखें। और साथ में कोरोना के लिए बस यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस नागानी आफात को यहाँ से बस मैं कहती हूँ कि दूर कर दें और हमारे मुल्क में अमन पैदा कर दें, जैसे पहले हालात चल रहे थे वैसे ही हो जाएं, तो अमीन सुमा अमीन। तो अभी यहाँ पे मैं साथ साथ खाने का भी कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग साथ में मैं खाना पहले ही इफ्तारी से पहले ही मतलब खाना मैं तैयार कर लेती हूँ, अगर किसी को खाना हो तो खा लेते हैं, नहीं तो इफ्तारी में भी इतना कुछ होता है कि वो खा के बिल्कुल खाना बाद में नहीं खाया जाता, लेकिन ये कि लेकिन खाना तो बनाया ही जब बनता है डेली। तो यहाँ पे चिकन जो है वो मैंने फ्राई करने के लिए रखा है, और उसके बाद ये हस्बैंड यहाँ पे बाकी फ्रूट्स वगैरह भी कट कर रहे थे क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा आप काट के इसको फ्रिज में करें रख लें ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो बस यही रूटीन होती है, यही सब कुछ होता है जो आप सबके घर में होता है, वही रूटीन मेरी भी है। बस शॉर्ट टाइम था और बस हम लोग जल्दी लगे हुए थे, तो फ्रूट्स यहाँ पर सारे इन्होंने कट कर दिए, अब इनको मैं जो है फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स मुझे बोल रही थी कि आप कोई भी अपनी वीडियो अपनी कोई भी रूटीन शेयर नहीं कर रही, ना आपकी कोई रेसिपी आ रही है, तो क्या बात है। बस यही है कि मेरा थोड़ा सा आपको पता है कि रमज़ान में तो हालत ऐसी होती है ना कि रोज़ा रख के कुछ भी करने का दिल नहीं करता,
और दूसरा बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो फिर कोरोना की वजह से दोबारा से लॉकडाउन हुआ, तो एग्ज़ाम्स उनके वहीं पे जो है पेंडिंग रह गए, तो अब ऑनलाइन उनकी दोबारा से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो उस वजह से बच्चों को तैयारी करवानी पड़ती है और बस इतना टाइम नहीं होता कि बस कैमरा उठाओ, क्योंकि वीडियो शूट करना भी आसान काम नहीं है, उसको एडिटिंग करना मेरे लिए वॉइस ओवर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे होते हैं साथ, बस मैं यकीन माने जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ पीछे से बच्चों का शोर या कुछ इस तरह से हो तो उसको बार बार डिलीट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए हैं, तो अब ये सारे फ्रूट चाट को मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, यकीन माने इतना मज़ा आया इफ्तारी में सब, काफ़ी दिन के बाद पूरी फैमिली माशाल्लाह से, मेरे जितने भी इन-लॉज़ वगैरह हैं तो सबको ही हम लोगों ने इनवाइट किया था, तो सब आए थे, बहुत मज़ा आया और इतना मज़ा आया यकीन माने, बहुत अच्छा लगता है कि जब सब इकट्ठे बैठ के इस तरह से इफ्तारी करें या इस तरह से कोई हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो अभी यहाँ पे ये क्रीम वगैरह इसमें मिक्स कर रहे हैं, मुझे बड़ी काफ़ी हेल्प मिल गई थी इनके, क्योंकि आपको पता है कि फ्रूट्स वगैरह कट करने में बहुत टाइम लगता है, तो इन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी, कटिंग वगैरह में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी इतना काम नहीं होता, लेकिन ये कि कटिंग वगैरह में वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस इन्होंने ये भी तैयार कर लिया था और मैं तो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा बहुत कम टाइम है, पता नहीं इतने टाइम में मैं इतना सब कुछ कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि रोज़े की हालत में जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला इन चीज़ों में मदद करते हैं, और गायब से एक मैं कहती हूँ मदद होती है कि सब चीज़ें इतनी जल्दी और आसानी से हो जाती हैं। यहाँ पे पकौड़े वगैरह भी मैंने खुद ही तैयार कर लिए, समोसे, सॉरी मैं वो भी मैं क्लिप नहीं डाल सकी, तो ये कि सारी चीज़ें मैंने खुद घर में ही रेडी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। तो अभी यहाँ पे मैंने सारा कुछ दस्तरखान पे लगा दिया था और सब बस अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, तो मैंने कहा इंशाल्लाह सब के आने से पहले चले मैं दस्तरखान को लगा दूँ, और उसके बाद अफ्तारी करने के बाद खाना छाना खाया, खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा छत पे जो है वो बारबेक्यू किया था, बहुत मज़ा आया चाय के साथ, और यहाँ पे सब बच्चे हस्बैंड मेरे लगे हुए हैं ये करने के लिए, और मैं आपको बाहर की थोड़ी सी दिखाती हूँ कि अभी तकरीबन ये रात के 10 बजे का टाइम था, बाकी ये सारे बैठे हुए मेरे इन-लॉज़ वगैरह, तो बहुत अच्छा मौसम था बाहर, इतना मज़ा आया यकीन माने, इतना मज़ा आया कि काफ़ी दिन के बाद सब एक जगह इकट्ठे हुए और इतना मज़ा आया, और ये बाहर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, इतना प्यारा मौसम था, और यहाँ पे बारबेक्यू करने का तो अपना ही मज़ा है इस टाइम। तो बस उसके बाद आप सब बताइए कि आप सब लोगों की भी सेम मेरी जैसी रूटीन होती होगी, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे की भी कुछ, अभी आपको पता है कि ईद बहुत करीबी, तीसरा अशरा शुरू हो गया है, तो अभी जो है वो क्लीनिंग वगैरह भी हम लोगों के घरों में जो रूटीन होती है ईद से पहले क्लीनिंग वगैरह, डीप क्लीनिंग जो मैं करती हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी कि वीडियो रेगुलर आए। तो यहीं पर मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।